मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि उस औरत और शराब के नशे से आज़ाद होकर और दिमाग को हाजिर रखकर बात करना, विक्टर ने उसे कहा। मुझे ख़तरा महसूस हो रहा है कि तुम उस औरत की पूरी छानबीन किए बगैर उसे अपने सारे राज दे दोगे। सुनो विक्टर, चंगेज़ ने अजीब से लहजे में कहा, मैं उस औरत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने उसके साथ बड़ी लंबी मुलाकातें की हैं, उसकी पूरी कहानी सुनी है। तुम उसे नहीं समझ सकते, मैं बेहतर समझता हूँ। मुझे पागल ना समझो, ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। विक्टर चुप रहा। उसने चंगेज़ के लहजे से जान लिया था कि वो अपने आप में नहीं। उसे ये एहसास तो था कि चंगेज़ की शक्ल सूरत और कदबुत में इतनी कशिश है कि इस औरत से कहीं ज़्यादा खूबसूरत ऊंचे तबके की औरतें भी उसे नज़र भर कर देखती हैं, लेकिन उस औरत के मुतालिक उसे वहम सा हो चला था कि चंगेज़ को धोखा दे रही है, और अगर वो धोखा नहीं दे रही तो चंगेज़ उसे अपनी असलियत बताकर अपने आप को ख़तरे में डाल रहा है। अगर ये औरत मुसलमान जासूस ही है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे सरकारी तौर पर नहीं भेजा गया था। विक्टर को इत्मीनान महसूस नहीं हो रहा था। चंगेज़ चला गया। विक्टर गहरी सोच में खो गया। चंगेज़ के जाने के बाद वो सो जाया करता था, मगर उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने कमरे में जाकर वो लेटने की बजाय बेचैनी से टहलने लगा। औरत उसी जगह चंगेज़ के इंतज़ार में खड़ी थी। उसके करीब ज़मीन पर शराब की सुराही और दो प्याले पड़े थे। अंधेरे में चंगेज़ को साए की तरह आता देखकर वो दौड़ पड़ी और उसके साथ लिपट गई, जैसे बच्चा माँ के साथ लिपट जाता है। उसने ऐसे वालेहानापन और खुद सपुर्दगी का मुजाहिरा किया जिसने चंगेज़ की अक्ल पर खुमार तारी कर दिया और उसके जज्बात बेदार हो गए। उस काया औरत ने अपने हुस्न जवानी के वो सारे हथियार इस्तेमाल किए जिन पर हरसन के नायब ने हाथ फेर कर कहा था कि तुम्हारे ये हथियार बेकार तो नहीं हो गए, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? उसने चंगेज़ से रुंधी हुई आवाज़ में पूछा। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ऐसा बेबस और मजबूर कर दिया है कि मैंने अपना इतना नाजुक राज तुम्हें दे दिया है। औरत उसकी कमर के गिर्द एक बाजू लपेटे उसे वहां ले गई जहां सुराही और प्याले रखे थे। उसे वहां बिठाया और प्यालों में शराब डालकर बोली, फतेह की खुशी में एक जाम। चंगेज़ इस कदर मसरूर था कि उसने फौरन प्याला ले लिया और पी गया। औरत ने उसके प्याले में और शराब डाल दी। चंगेज़ ने वो भी पी ली। उनसे 8-10 कदम दूर एक दरख्त था। कोई पीछे से रिंगता हुआ आया और उस दरख्त के तने की ओट में बैठ गया। रात खामोश थी। दरख्त की ओट में बैठे हुए आदमी को चंगेज़ और औरत की सरगोशियां भी सुनाई दे रही थीं, मगर वो सरगोशियों में नहीं, ज़रा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। अब बताओ क्या खबर लाई हो? चंगेज़ ने औरत से पूछा। ऐसी खबर लाई हूँ जो सुल्तान अयूबी ने कभी ख्वाब में नहीं सुनी होगी, औरत ने कहा। मैं सलीबियों की मौत का परवाना लाई हूँ। उसने चंगेज़ को सलीबियों का प्लान और पेशकदमी का रास्ता बता दिया और ये भी बता दिया कि वो कब हमला करेंगे। उसने सलीबी फौज की रसद का रास्ता भी बताया और ये भी कि कूच कब होगा। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, चंगेज़ ने कहा। कल रात निकल कर चलें? नहीं, औरत ने कहा। हमें जिस राज की ज़रूरत थी वो मिल गया है, लेकिन मेरे दिल में इंतकाम की जो आग भड़क रही है मैं उसे सर्द करके जाऊँगी। सलीबियों ने अपनी फ़ौज के लिए बेअंदाज रसद जमा कर ली है। खैमों और हथियारों का कोई हिसाब नहीं। आतिशगीर सियाल के मटके भी हैं, अनाज के अंबार भी हैं। ये जख़ीरा दूर दूर तक फैला हुआ है। इसे तबाह करना कोई मुश्किल नहीं। पहरे का इतना ही इंतज़ाम है कि 7-8 सिपाही रात को गश्त करते हैं। मुझे मालूम है कि सलीबियों ने यह ज़खीरा 3-4 महीनों में जमा किया है। अगर हमने इसे नज़र आतिश कर दिया तो उनका हमला 3-4 महीनों के लिए रुक जाएगा। इस अरसे में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। तुम हरसन को जानते हो, मैंने उसके दिल से भी राज निकाल लिए हैं। उसने बताया है कि सुल्तान अयूबी नई भर्ती कर रहा है और उसकी पहली फौज अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़कर इतना जानी नुकसान उठा चुकी है कि लड़ने के काबिल नहीं रही। ये बदबख्त सलीबी सुल्तान अयूबी की इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस वक्त ज़रूरत यह है कि सलीबियों का कूच इल्तवा में डाला जाए। इसका वाहिद ज़रिया यह है कि उनकी रसद जला दी जाए। उनके जो हज़ारों घोड़े हैं उन्हें हलाक करने का इंतज़ाम भी हो सकता है। रसद को आग कौन लगाएगा? चंगेज़ ने पूछा। ये तुम्हें मालूम होगा कि यहाँ तुम्हारे कितने आदमी मौजूद हैं, औरत ने कहा। इनमें छापामार भी होंगे, ये काम उनके सुपुर्द किया जाए। यहाँ तुम्हारे कितने छापामार मौजूद हैं? सुल्तान अयूबी ने हुक्म दे रखा है कि दुश्मन के मकबूजा इलाकों में तबाहकारी न की जाए, क्योंकि छापामार तो तबाहकारी के बाद इधर उधर हो जाते हैं। सज़ा बेगुना मुसलमान बाशिंदों को मिलती है, चंगेज़ ने कहा। सलीबी उनके घरों में घुसकर उनकी मस्तूरात को भी परेशान करते हैं, इसलिए हमने छापामारों को वापस भेज दिया था। यहाँ जासूस हैं, वो तखरीबकारी भी कर सकते हैं।
वो यहाँ के चंद एक जवानों को तैयार कर सकते हैं, उन्हें किसी जगह इकट्ठा करने का इंतजाम हो सकता है, औरत ने पूछा और चंगेज के प्याले में शराब डालकर अपने हाथों प्याला उसके मुंह के साथ लगा दिया। हमने एक मस्जिद को खुफिया अड्डा बना रखा है, चंगेज ने शराब का प्याला पीकर कहा। उसने मस्जिद का महल्ले वकूफ बता दिया और कहा, उस मस्जिद का इमाम हमारी जमात का अमीर है, बहुत काबिल और दलेर इंसान है, मैं आज रात ही उसे बता दूंगा, वो कल उन नौजवानों को मस्जिद में इकट्ठा कर लेगा, वो सब नमाज पढ़ने के बहाने आएंगे। सिर्फ एक काबिल और दलेर आदमी से काम नहीं चलेगा, औरत ने कहा, इमाम के साथ तुम होगे और तीन चार और जहीन आदमियों का होना जरूरी है, ताकि इस तबाहकारी का मंसूबा दानिशमंदी से बने। ये जखीरा उस वक्त तबाह किया जाएगा जब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, वरना शहर की नाकाबंदी हो जाएगी। सिर्फ इमाम नहीं, चंगेज ने कहा, यहाँ हमारा एक से बढ़कर एक काबिल आदमी मौजूद है। उसने चंद एक आदमियों के नाम बता दिए और कहा, मैं उन सबको मस्जिद में बुला सकता हूँ। वो औरत चंगेज से यही राज लेना चाहती थी। उसने गिरोह के मुतालिक कुछ और बातें पूछी जो चंगेज ने बता दी और कहा, मेरे साथ विक्टर नाम का जो आदमी है वो भी हमारे गिरोह में है। विक्टर भी? औरत ने चौंक कर कहा। हाँ, चंगेज ने कहा, क्या तुम हमारी उस्तादी की तारीफ नहीं करोगी कि हमने एक ईसाई को भी अपना जासूस बना रखा है? औरत कुछ देर खामोश रही फिर बोली, कल दिन को मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी, मुझे वहां आने से कोई नहीं रोक सकता। औरत जाने के लिए उठी, दरख्त की ओट में छुपे हुए आदमी ने हरकत की, उसने बैठे बैठे कमरबंद से खंजर निकाला, 8-10 कदम का फासला 2-4 छलांगों में तय करके औरत को पीछे से एक बाजू से जकड़ लिया। उसका खंजर वाला हाथ ऊपर उठा, तेजी से नीचे आया और खंजर औरत के सीने में उतर गया। औरत की हल्की सी चीख सुनाई दी और ये कहा, मेरे सीने में खंजर उतर गया है। चंगेज ने खंजर निकाला और उस आदमी को मुक्का मारकर उस पर हमला किया। उस आदमी ने घूमकर औरत को आगे कर दिया और बोला, मैं विक्टर हूं चंगेज, इस बदबख्त को जिंदा नहीं रहना चाहिए। औरत सिसक रही थी, विक्टर ने उसे पीछे से एक बाजू में दबोच रखा था। तुम जलील ईसाई, चंगेज शराब के नशे में कह रहा था, सांप के बच्चे निकले। वो घूमकर उस पर हमला करने लगा। विक्टर ने औरत को आगे कर दिया और उसे ढाल बनाकर बोला, होश में आओ चंगेज, तुमने इसे सब कुछ बताकर सारा खेल बर्बाद कर दिया है, अगर ये जिंदा रही तो कल हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे। चंगेज बिफरे हुए चीते की तरह उसके इर्द गिर्द घूम और फुंकार रहा था। लड़की अभी होश में थी, कराहते हुए बोली, चंगेज मेरे खून का इंतकाम तुम्हारे सर है, ईसाई हमारे दोस्त नहीं हो सकते, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, ये हमारा नहीं सलीबियों का जासूस है। चंगेज ने जिस्त लगाकर विक्टर पर हमला किया। विक्टर ने बार बार उसे कहा कि वो धोखे में आ गया है और उस औरत को कत्ल करके लाश दूर फेंकाएंगे, मगर चंगेज अब जासूस नहीं, वो मर्द बन चुका था जिसकी महबूबा को एक और मर्द ने पकड़ रखा था और उसके सीने में खंजर भी उतार चुका था। उसने सामने से औरत को इतनी जोर से धक्का दिया कि विक्टर पीछे को गिरा और औरत उसके ऊपर। विक्टर ने संभल कर जवाबी हमला किया। चंगेज का भी जिंदा रहना खतरनाक था। विक्टर का खंजर चंगेज के पेट में लगा। चंगेज ने खंजर खाकर वार किया जो विक्टर के बाजू को चीर गया। उसने चंगेज के सीने में खंजर मारा। चंगेज अब अपने पांव पर खड़ा रहने के काबिल नहीं रहा था। विक्टर ने एक और वार उसके सीने पर ही किया। औरत मर चुकी थी। चंगेज भी मामूली सांस ले रहा था, वो होश में नहीं था। विक्टर के कंधे और बाजू से खून बह रहा था। उसने औरत के कपड़े फाड़े और बाजू पर बांध लिए। कंधे के जख्म में कपड़ा ठोंस दिया ताकि खून बंद हो जाए। वो चल पड़ा। कपड़ा बांध देने के बावजूद खून ना रुका। उसने परवाह न की और चलता गया। वो एक गली में दाखिल हो गया। वहां से वो एक फराख गली में चला गया। त्रिपोली पर गहरी नींद तारी थी। गलियां सुनसान थीं। तमाम घरों के दरवाजे बंद थे। सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ था। ये खुदा के घर का दरवाजा था। ये मस्जिद थी। वो इस मस्जिद में पहली बार जा रहा था। चंगेज ने उसे बता रखा था कि कभी उस मस्जिद में जाने की जरूरत पड़े तो मस्जिद के सहन में चले जाना। वहां पास ही एक दरवाजा है जो इमाम के घर का है। विक्टर ने ये मस्जिद बाहर से देखी थी। ये सुल्तान अयूबी के त्रिपोली में मौजूद जासूसों का खुफिया हेडक्वार्टर था और मस्जिद का इमाम मस्जिद का ही नहीं जासूसों के इस गिरोह का भी इमाम था। विक्टर ने खुले दरवाजे में दाखिल होकर जूते उतार दिए। आधी रात गुजर चुकी थी। इमाम गहरी नींद सोया हुआ था। दरवाजे की दस्तक ने उसे जगा दिया। उसने दानिस्ता तवक्कुफ किया। वो दस्तक एक बार फिर सुनने के इंतजार में था। दस्तक फिर हुई। ये जासूसों की मखसूस दस्तक थी। फिर भी उसने लंबा खंजर हाथ में लिया और दरवाजा खोला। धीमी आवाज में कहा, चंगेज, विक्टर। विक्टर ने जवाब दिया, अंदर चलें। खून की बू कहां से आ रही है?
इमाम ने अंधेरे में विक्टर का बाजू थाम कर पूछा। ये मेरा खून है, विक्टर ने जवाब दिया। इमाम उसे घसीटता हुआ अंदर ले गया। दिया जलाया तो उसे नजर आया कि विक्टर के कपड़े खून से लाल और तर थे। विक्टर के साथ उसका वही तारुफ था जो चंगेज ने गायबाना करा रखा था। इमाम ने उसे दूर दूर से देखा था। दरअसल वो पसे मंजर में रखते थे, जिसकी वजह यह नहीं थी कि वो ईसाई था, बल्कि ये कि उन्होंने चंगेज को मालूमात फराहम करने का काम सौंप रखा था। ये जासूसी का एक तरीका और उनकी अपनी तंजीम थी। इस लिहाज से इमाम और विक्टर एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। तुम आए हो, इमाम ने पूछा। चंगेज क्यों नहीं आया? वो अब कभी नहीं आएगा। क्यों? इमाम ने घबरा कर पूछा। पकड़ा गया है? उसे उसके गुनाहों ने पकड़ा है, विक्टर ने जवाब दिया, और मेरे खंजर ने उसे सजाए मौत दे दी है। आप मेरा खून नहीं देख रहे? क्या आप मेरा खून बंद करने का बंदोबस्त कर सकते हैं? आप घबराएं नहीं, खुदा का शुक्र अदा करें कि चंगेज़ जिंदा नहीं, वरना हम में से हर कोई कैद खाने की अजियतों से मारा जाता। इमाम ने बहुत तेजी से दवाइयां निकाली, पानी लाया और उसके जख्म को धोने लगा। विक्टर को कपड़े बदलने को कहा। नहीं, विक्टर ने जवाब दिया, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं इन्हीं कपड़ों में वापस जाऊंगा। मैंने आपका नमक खाया है। मेरा अजीज दोस्त और बड़े ही खतरनाक सफर का साथी मेरे हाथों कत्ल हो गया है। मैं आप सबके लिए अपने आप को कुर्बान करने का इरादा कर चुका हूँ। मैं अपनी गर्दन जल्लाद के आगे झुकाकर आप सबको साफ बचा लूंगा। इमाम उसके जख्म साफ करके उस पर सुफूफ छिड़क रहा था और विक्टर उसे सारा वाकया सुना रहा था। उसने हर एक तफसील सुनाकर कहा, मुझे शक हो गया था कि ये औरत फरेब के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैंने वो बूढ़ा कमांडर कभी नहीं देखा था जिसकी वो अपने आप को दाश्ता बताती थी। उसका हर रात चंगेज के रास्ते में आ जाना एक सबूत था कि वो कहीं करीब ही होती थी और चंगेज पर नजर रखती थी। मैंने चंगेज से जब भी कहा कि वो और ज्यादा एहतियात करे, वो गुस्से में आ गया। मैं आपको बता चुका हूँ कि वो शराब भी पीने लगा था। मुझे शक है कि शराब में उसे हशीश मिलाकर पिलाई जाती थी, वरना चंगेज जैसा सख्त आदमी और ईमान का पक्का इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उस फरेब में ना आता। बड़ी खूबसूरत लड़कियां उसे अपने मोहब्बत में गिरफ्तार करने की कोशिश कर चुकी थीं। वो हंसकर टाल दिया करता था। उस औरत ने उसे अपने हुस्न और हशीश की आमेजिश वाली शराब के तलिस्म में जिस्मानी नहीं जहनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया था। उसने जब ये बताया कि उसने औरत को बता दिया है कि वो जासूस है, तो मेरा दिल कांप उठा, जैसे मुझे आलम गैब से इशारा मिल रहा था कि चंगेज़ ने इतनी बड़ी लग्जिश की है जिसकी सज़ा सिर्फ उसकी नहीं हम सब की मौत है, और उसकी ये लग्जिश शाम और मिस्र की आज़ादी की मौत का भी बायस बन सकती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसकी अक़ल पर औरत ने जो तलिस्म तारी कर दिया था, वो उसे हमसे और अपने फ़राइज़ से और अपने ईमान से भी बहुत दूर ले गया था। मैंने उसी वक्त इरादा कर लिया था कि अब यही एक सूरत रह गई है कि उस औरत को कत्ल कर दिया जाए, और अगर चंगेज़ का रवैया ना बदले तो उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। मुल्क और कौम को ख़तरे से बचाने के लिए एक आदमी का कत्ल कोई बड़ी बात नहीं होती। ये तो जासूसी का उसूल है कि गिरोह के किसी आदमी पर गद्दारी का शक हो या उसकी वसातत से राज फाश होने का ख़तरा हो तो उसे ख़त्म कर दिया जाए। मैंने फिर भी उसके कत्ल से गुरेज किया, मगर वो मुझे कत्ल करने के लिए पागल हो गया था। ये भी तो हो सकता है कि तुमने उसे गलत फहमी में कत्ल कर दिया हो, इमाम ने कहा। हो सकता है कि लड़की मुसलमान ही हो और वो सच्चे दिल से हमारे लिए काम कर रही हो। हो सकता है, विक्टर ने कहा, लेकिन मैंने सबूत देख लिया था। मैंने चंगेज के साथ उसका जिक्र नहीं किया था। मैंने उस औरत को उस इमारत से निकलते और वापस जाते देखा था जहां हरसन के शोबे की लड़कियां रहती हैं। मैंने ये भी मालूम कर लिया था कि ये औरत किसी कमांडर की दाश्ता नहीं, वो उस इमारत में रहती है। आज रात मैं चंगेज के पीछे चला गया और जहां वो उस औरत के साथ बैठा था, वहां से चंद कदम दूर मैं एक दरख्त के पीछे बैठ गया। औरत ने जिस अंदाज से चंगेज से राज की बातें पूछी और जो बातें पूछी, वो इस शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी थी कि यह औरत सलीबियों की जासूस है। उसने त्रिपोली में हमारे छापामारों के मुतालिक पूछा और चंगेज़ को बताया कि सलीबी फ़ौज के लिए रसद वगैरह का बेअंदाज ज़खीरा रखा गया है जिसमें आतिशगीर सयाल के बेशुमार मटके हैं। मैं भी जासूस हूँ, मुझे अच्छी तरह इल्म है कि यहाँ कहीं भी इतना ज़खीरा नहीं रखा गया। उसने जो जगह बताई थी वहाँ कुछ भी नहीं, आप खुद कल जाकर देख लेना। चंगेज़ ने उसके आगे हमारी सारी जमात की निशानदेही कर दी और उसने मेरा नाम लेकर भी मुझे बेनकाब कर दिया। मैं इतनी अहम जगह पर हूँ जहाँ मुझे राज की गहरी बातें भी मालूम हो जाती हैं। इस औरत ने मेरा नाम सुना तो वो अपनी हैरत को छुपा ना सकी। वो बहुत देर खामोश रही, फिर वो उठ खड़ी हुई। हमारा इतना ख़तरनाक राज ये औरत ले जा रही थी और ये राज सीधा हरसन के पास जा रहा था।
उसके नतीजे का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मैंने उठकर औरत को पकड़ लिया और खंजर उसके सीने में घोंप दिया। चंगेज़ मुझ पर टूट टूट पड़ता था। उसे बहुत समझाया, हकीकत भी बताई, मगर शराब ने उसे हैवान बना रखा था। मैंने उसके खंजर से ज़ख्म खाकर भी उसे समझाया, मगर वो सोचने समझने की हालत में था ही नहीं। मैंने महसूस कर लिया था कि जिंदा रहा तो मैं उसे काबू में नहीं ला सकूँगा और हमारा असल मकसद बुरी तरह ख़त्म हो जाएगा। मैंने उसे भी ख़त्म कर दिया। तुमने अच्छा किया है, इमाम ने कहा। मैं तुम्हारा फैसला कबूल करता हूँ। तुम अब त्रिपोली से निकल जाओ, मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। नहीं, विक्टर ने कहा। सुबह चंगेज़ और औरत की लाशें सब देख लेंगे। मुझे यकीन है कि हरसन को मालूम हो चुका है कि चंगेज़ जासूस था। उसी ने इस औरत को उसके पीछे डाला था। वो यही समझेगा कि इन दोनों को मुसलमान जासूसों ने कत्ल किया है। फिर यहाँ के मुसलमानों के लिए क़यामत आ जाएगी। पहले ही अहकाम मिल चुके हैं कि किसी पर जासूसी का शक हो तो उसे कैद या कत्ल कर दिया जाए। अब तो यूं समझो कि यहाँ के हर मुसलमान घराने पर हरसन ने एक एक जासूस मुकर्रर कर दिया है। ये लोग मुसलमानों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। मैं वापस अपनी जगह जा रहा हूँ। मैं ये कत्ल अपने ज़िम्मे ले लूँगा और वजह बताऊँगा कि मैं और चंगेज़ रकीब थे। हम तुमसे इतनी कुर्बानी नहीं लेंगे, इमाम ने कहा। मैं तुम्हारे साथ एक आदमी को भेजूंगा जो तुम्हें काहिरा छोड़ आएगा। मैं अपनी जान की कुर्बानी देना चाहता हूँ, विक्टर ने कहा। मुझे वो वक्त याद है जब मेरे शहर में सलीबी फौज के दो अफसरों ने मेरी बहन पर हाथ डाला था। उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया था कि मेरी बहन को उठाकर ले चलें। कोई ईसाई मेरी मदद को नहीं आया। तीन मुसलमान जवानों ने उन सिपाहियों का मुकाबला किया था। तीनों जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने मेरी बहन को बचा लिया था। वो तो बालाई अफसर अच्छा था जिसने मेरी शिकायत सुन ली थी, वरना मेरी बहन भी ना रहती और तीनों मुसलमानों को भी कत्ल करा दिया जाता। इसी वाक़े ने मुझे मुसलमानों का जासूस बनाया था। मैं आपकी कौम को इस एहसान का सिला देना चाहता हूँ। मैं अपनी जान जल्लाद के हवाले करके त्रिपोली के मुसलमानों की जान और इज्जत बचाऊँगा, उसने इमाम को बताया। सलीबियों ने फौजें जमा करनी शुरू कर दी हैं। उनका रुख हलब की तरफ होगा। वो सबसे पहले शाम को तहतेक करने का इरादा रखते हैं। अभी ये नहीं पता चला कि वह कब कूच करेंगे। ये भी मालूम नहीं हुआ कि उनकी सारी फौज एक ही इलाके पर हमला करेगी या आगे जाकर तकसीम हो जाएगी और एक ही वक्त कई मकामात पर हमला करेगी। सुल्तान अयूबी तक ये इत्तला बहुत जल्दी पहुंच जानी चाहिए ताकि वो मिस्र में ना बैठे रहें। विक्टर को जो कुछ मालूम हो सका था वो उसने इमाम को बता दिया। वो उठा और इमाम के रोकने पर भी ना रुका, कहने लगा, आप बिल्कुल मुतमइन रहें, आपको कोई नहीं पकड़ सकेगा। और वो बाहर निकल गया। वो शहर से भी निकल गया। उसके जख्मों से खून बंद हो चुका था। इमाम ने दोनों जख्मों पर पट्टियां बांध दी थीं। उसने इस ख्याल से दोनों पट्टियां उतारकर फेंक दी कि जिनके पास वो जा रहा था वो ये ना पूछ बैठे कि मरहम पट्टी किससे कराई है। जख्मों से फिर खून रिसने लगा। वो उस जगह गया जहां चंगेज और औरत की लाशें पड़ी थीं। रात के पिछले पहर का चांद ऊपर उठाया था। विक्टर को शराब की सुराही और दो प्याले पड़े नजर आए। उसने औरत के चेहरे को गौर से देखा। मौत भी उसके चेहरे का हुस्न नहीं बिगाड़ सकी थी। उसके खुले हुए रेशमी मुलायम बाल उसके सीने पर बिखर गए थे। विक्टर ने शराब की सुराही को देखा और जेरे लब कहा, इंसान ने अपनी तबाही के कैसे कैसे जरिए अख्तियार किए हैं। उसने चंगेज को देखा और उसके पास बैठ गया। चंगेज का जिस्म बर्फ की तरह सर्द हो चुका था। विक्टर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम अच्छी तरह जानते थे कि औरत मर्द की कितनी बड़ी कमजोरी है और शराब ने बादशाहों के तख्ते उलट दिए हैं। तुमने इस कमजोरी को अपने अंदर डाल लिया। मैं भी आ रहा हूँ मेरे दोस्त, जल्लाद मुझे जल्दी तुम्हारे पास पहुँचा देंगे। हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। मैं आ रहा हूँ दोस्त, मैं आ रहा हूँ। वो उठा और बहुत तेज़ तेज़ कदम उठाता उस इमारत की तरफ चल पड़ा जिसमें अफसर रहते थे। उसके जख्मों से खून बह रहा था। उसने नीलाम से खंजर निकाला, उस पर खून जम गया था। उसने इसे अपने खून से तर किया और खंजर हाथ में रखा। खून ज्यादा निकल जाने से वो कमजोरी महसूस करने लगा था। उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। उसे मालूम था कि जिसके पास उसे जाना है उसकी रिहायश यही है। कुछ देर बाद एक मुलाजिम ने दरवाजा खोला। विक्टर ने अफसर का नाम लेकर कहा कि उसे जगाओ और बताओ कि एक कातिल आया है। मुलाजिम अंदर को दौड़ा। अंदर से गालियों की आवाजें सुनाई देने लगी। अफसर गालियां बकता आया, दरवाजे पर आकर कहर भरी आवाज में पूछा, कौन हो तुम, किसे कत्ल करके आए हो? मुलाजिम कंदील उठाए दौड़ा आया। अफसर ने रोशनी में विक्टर को देखकर पूछा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगेबान।